ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले मन यह काग था, करता आत्म घात। पाछे मन हंसा भया, मोती चूं चूं खात। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर एक भजन है, निर्गुण। निर्गुण और सगुण एक अवस्था है। सगुण से चल करके साधक गुणातीत होता है, निर्गुण होता है। और भारत में खास तौर से यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब स्टेटों में जब कोई मर जाता है तो ऐसे निर्गुण कबीर साहब के या वैराग्यवर्धक भजन लोग बजाते हैं। उस बिहार में खास तौर से अगर निर्गुण बजा दीजिए तो लोग समझता है कि कोई मर गया। वास्तव में भजन है ये, निर्गुण मरने के बाद नहीं बजाया जाता, बल्कि निर्गुण अगर जो वैराग्यवर्धक भजन है उसे अगर पहले जीव सुने, साधक सुने, मनुष्य सुने, तो उसे भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। ये भजन जो जिसे निर्गुण भजन कहा जाता है, ये कहीं न कहीं से ईश्वर पथ में हमें चेताता है, भक्ति करने का संदेश देता है। हमारी अहमियत और हमारे इंसान मनुष्य शरीर की असलियत बताता है ये जो निर्गुण भजन है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई मरले के बाद निर्गुण बजाना चाहिए। तमाम गायक भरत शर्मा वगैरह जी हुए, बड़ा सुंदर ढंग से निर्गुण भजन कबीर साहब का गाते हैं। और कबीर साहब को लोग कहते हैं कि ये सगुण उपासक हैं, कोई कहता है निर्गुण उपासक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी सगुण और निर्गुण, जितने भी महापुरुष हुए सब सगुण से ही प्रारंभ होते हैं और निर्गुण अवस्था तक जाते हैं। जैसे आप पढ़ाई करने जाते हैं तो बच्चों को पहले सगुण में एप्पल का, सेब का, गधा का, केला का, कबूतर का फोटो दिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे वही बच्चा जब रिसर्चर बन जाता है, बड़े बड़े कॉलेजों में चला जाता है, तो वहां पर फिर वो अपने से उत्पन्न करने लगता है, उसकी अपनी एक थीसिस हो जाती है, खोज हो जाती है। तो वही शुरू में भजन में मन लगाने के लिए महापुरुषों ने नाम, रूप, लीला, धाम, ये तमाम भजन की विधि बताई। ये सगुण अवस्था है, लेकिन जब वो निराकार ब्रह्म हृदय में आ जाता है, उसकी अनुभूत होने लगती है, तो साधक त्रिगुणातीत हो जाता है, निराकार अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये भजन हमेशा सभी साधकों को, भक्तों को सुनना चाहिए, जिससे कि मन में वैराग्य बढ़े। तो बड़ा ही सुंदर भजन है, हर घर घर में गाया जाता है। बिहार में खास तौर से कोई मरता है तो ये भजन जरूर लोग बजाते हैं। कबीर साहब का ही भजन है यह। और कबीर साहब ने पूरे भजन में एक बहुत ही सुंदर भाव दिया है। जब यह जीव गवनवा, मतलब अपने प्रभु के पास, ईश्वर के पास जाने लगता है, तो देह की अवस्था क्या होती है, और जस जस नजदीकी बढ़ती है साधक की भगवान के प्रति, तो उस साधक की अवस्था क्या होती है, यही सब चित्रण है इस भजन में। तो आइए सबसे पहले हम लोग भजन का श्रवण कर लें, और उसके बाद तब फिर इसका अर्थ समझेंगे। जब से गवनवा के दिनवा धराइल, जब से गवनवा के दिनवा धराइल,
रतिया न नींद लागे देह पियराइल, रतिया न नींद लागे देह पियराइल। बाप माई भौजी के ममता सतावे, सखियन के बात रह रह के याद आवे, सखियन के बात रही रही के याद आवे। कुह के करे जवा अखिया लोराइल, रतिया न नींद आवे देह पियराइल। जब से गवन मा के दिन मा धराइल, घर परिवार रोवे रोवे गाम टोला, मोरा करणी के चर्चा घर घर होला। घर परिवार रोवे रोवे गाम टोला, मोरा करणी के चर्चा घर घर होला। जवन कछु याद रहल, जवन कछु याद रहल, अचके भुलाइल, रतिया न नींद आवे देह पियराइल। जब से गवन वाके दिन मा धराइल, अपना सुनरई पर रहे जे गरुड़वा, अभिन के लामाछी केतना कैनी न कसुरवा, भिन के लामाछी केतना कैनी न कसुरवा। देहिया सजावल सवारल तवाइल, रतिया न नींद आवे देह पियराइल। जब से गवन वाके दिन मा धराइल, काम क्रोध मद लोभ में अझुरैनी, काम क्रोध मद लोभ में अझुरैनी, अभगवती बलमुआ के झूठे क्रिया खैनी। भगवान से नेहिया लगहुन आइल, ईश्वर से नेहिया लगहुन आइल, रतिया न नींद आवे देह पियराइल। जब से गवन मा के दिन मा धराइल। अब इस भजन का दो तरह से हम लोग अर्थ समझ सकते हैं। एक तो गवनमा मतलब होता है जैसे कितनो करबु बहाना गुरिया ससुरे जाए के पड़ी, मतलब इस शरीर की मृत्यु, ये शरीर की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं। तो जब गवनमा के दिनमा धरायु, जब चौथापन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, ठेंगना में दर्द, आंख में दर्द, कान में दर्द, कम दिखता है, कम सुनाई देता है, दांत खत्म हो गया, समझ लो दिन धरा गया, ए लिख लिख पतिया भेजेला सजनमा, पाती आ गई भगवान के यहां से, दिन धरा गया। अब पका आम हो गए, कब चले जाओगे? तब आदमी को अपनी करनी पर
मतलब के पूरा पछतावा होता है कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। जब से गवनवा के दिनवा धराई रतिया न नींद आवे देह पियराई। बुढ़ापा आ जाता है तो रात दिन नींद नहीं आती, अपना करनी सोच सोच के इंसान पछताते रहता है कि हमने ये किया हमने ये किया। जो अच्छा किए रहते हैं वो मगन रहते हैं मस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी जाने का पछतावा तो सबको रहता है। और दूसरा दिनवा धराइल मतलब जब भजन चिंतन जीव साधक करने लगता है तो ईश्वर के प्रति नजदीकी उस आत्मा की बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे नजदीकी बढ़ेगी रात में नींद आना दिन में नींद आना बंद हो जाएगा, बेचैनी बढ़ते रहेगी अंदर से, कब प्रभु से मिलन हो जाए कब दर्शन हो जाए। दोनों परिप्रेक्ष्यों में इस भजन को इस निर्गुण अवस्था को बड़ी भली भांत से समझा जा सकता। अब बाहरी दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे कि भाई कोई लड़की है और उसको क्या नाम है गवनवा के दिनवा धराई, गौना जाने का जब दिन धरा जाता है कि अब तुम मायके छोड़ करके अपने ससुराल चली जाओगी, तो भी इस अवस्था से भी इस भजन को हम लोग समझ सकते हैं कि उस लड़की का क्या दुख होता है। मतलब कि उसको हमेशा ये रहता है कि अब मेरा ये घर छूट जाएगा, अब हम दूसरे के घर चली जाऊंगी, वहां कैसा वातावरण रहेगा। तो उस समय जब वो सोचती है तो सखी सहेली इत्यादि का बात आवेगा, गांव वाले सब रोते हैं उस बच्ची का याद कर करके, भाई अच्छी थी बढ़िया थी सबसे मेल व्यवहार से रहती थी इस भजन। लेकिन ये कबीर साहब का जो भाव है ये बिल्कुल आध्यात्मिक है और वैराग्य वर्धक है। उन्होंने ये पक्ष बाहरी कोई भी भजन लिखा है कबीर साहब तो बिल्कुल आध्यात्मिक, क्योंकि वो आध्यात्मिक संत थे। तो इसलिए जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब चौथापन आ जाता है तो वो आदमी सोचता है अब तो नहीं बचेंगे, रात दिन वही चिंता। तो उस समय ऐसा चिंतन न करके बल्कि भगवान का भजन करते रहना चाहिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो जैसा चिंतन किए रहता है वही भाव बरबस उसके मन में आने लगते हैं अंत समय में। तो यही अंत समय में एक भगवान का भक्त जो भक्ति नहीं कर रहा है उसके मन में क्या क्या भाव आते हैं, क्या क्या वो पछताता है। तो रतिया न नींद लागे देह पियराइल, जब से गवनवा के दिनमा धराइल। लगता है कि अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 10 साल 5 साल में मृत्यु तो होनी निश्चित है। रात दिन अपने कर्मों को याद करके उसे नींद नहीं लगती है। और बाप माई भौजी के ममता सतावे, फिर अपना पारिवारिक ममता मोह जो होता है सताता, लगता है ये छूट जाएंगे ये छूट जाएंगे। सखियन के बात रही रही के याद आवे, जो जीव का सखी सहेली रहता है उसका बात जो भी रहेगा याद आते रहता है, पुराने कर्म याद आते रहते हैं कि भाई। और कुहु के करे जवा अखिया लोराइल, करेजा कुहकता है मतलब कुहकने का तात्पर्य है आहें भरना, पछतावा करना और एक तरह से दुखी होना। तो अखिया लोराइल, आंखों में आंसू भर आता है कि भाई काश हम भी भजन चिंतन करते, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। लगता है अब तो ये सब छूट जाएंगे। अर्जुन ने भी कहा भगवान ये छूट जाएंगे, जिनकी गोदियों में मैं खेला, जो जो, जो बचपन से हमें दुलार प्यार किए सब छूट जाएंगे नारायण। भगवान कह रहे तो मरे हुए मुर्दे हैं, इनको तू मार और यश को प्राप्त कर। तो ये गवनवा का दिनवा धराई, जब यह आत्मा भजन करके परमात्मा में मिलने का
इसका समय आता है, ये जीव जब यहां से संसार को छोड़ करके जाता है तो उस समय का ये चित्रण है। तो क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि भेजा बुलावा राम ने दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। तो इसलिए जो यहां भजन चिंतन साधु संग सदगुरु सेवा में जीव को दुख सुख मिलता है वो वैकुंठ में नहीं मिलता है। तो इस भाव और इस परिप्रेक्ष्य से भी इस भजन को हम समझ सकते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। और इस परिप्रेक्ष्य से भी हम समझ सकते हैं कि जब ये शरीर की मृत्यु होती है तो उस समय मानसिक दशा क्या रहती है। तो कहते हैं कि जब गवनवा के दिन धरा गया और यह जीव किसी एक दिन प्राण पखेड़ू उड़ गए तो उसके बाद का क्या चित्रण है। भाई बाप भौजी ये सब का ममता सताया करेजा कुहका, उसके बाद जीव निकल गया, उसके बाद का चित्रण करते हुए कबीर साहब ने कहा घर परिवार रोवे रोवे गांव टोला, अमोरा करनी के चर्चा घर घर होला। घर भी रोता है जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो घर के जो सदस्य होते हैं रोते हैं, परिवार के भी लोग नात रिश्तेदार जो भी सुनते हैं रोते हुए दौड़े आते हैं। और पूरे गांव में पूरे नगर में पूरे क्षेत्र में जहां तक आपको जानने वाले लोग होंगे आपके अच्छे और बुरे जो भी कर्म हैं उसकी चर्चा करेंगे। बढ़िया रहेगा तो बोलेगा बहुत बढ़िया इंसान थे, मदद करते थे, सेवा भाव सबको लेके चलते थे साथ में। खराब रहेगा चोरी बेमानी डकैती छिनरई के ले रहोगे तो कहेगा मारो ससुरा बढ़िया हुआ मर गया। आपके करनी का चर्चा घर घर में होगा। और जवन कुछ याद रहल अचके भुलाइल, रतिया नींद आवे देह पियराइल, जब से गवनवा के दिनवा धराइल, रतिया नींद आवे देह पियराइल। जवन कछु याद रहे अचके भुलाइल, अचके माने तुरंत, बिहार की भोजपुरी की भाषा अचके कर देते हैं, तुरंत भूल जाता है, सब खत्म मेमोरी से डिलीट। फिर तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मरने के बाद बहुल न देखी हो आए जो तुम्हारी पद प्रतिष्ठा इज्जत है गांव में समाज में। हमको लोग बहुत बढ़िया बोलते थे बहुत खराब बोलते थे, कुछ भी नहीं सब भुला गया। अचिके भुलाई जवन कछु याद रहे अचिके भुलाई, मेमोरी से डिलीट, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि प्राप्त कर ली। ये अंतिम समय का चित्रण है। अंतिम समय में जैसे आप कहीं गए हो और जब आपकी विदाई होने वाली हो आप उस घर से जा रहे हो तो क्या क्या भाव उस समय याद आता है। दो तीन चार दिन दस दिन जो रहे रहते हैं वो आपस में बात विचार सब याद आने लगता है, ममत्व याद आने लग। उसी तरह संसार में रहते रहते जीव का एक संसारिक प्रेम हो जाता है और जब ये छूटने को होता है तो उसी समय एक ममता घेर लेता है गवनवा। जब मतलब ये घर को छोड़ के ईश्वर के घर के में जीव जाता है तो यहाँ की नाना तरह की बातें याद आने लगती है। तो कहते हैं कि अपना सुन रही पर रहे जे गरुवा, अपनी सुंदरता पर जो बहुत गर्व था, अभिनकेला माछी, बुढ़ापा में देखते हैं बस चेहरा पर माछी भिनकता है, उसके बाद आदमी जब मर जाता है तो तुरंत कहेगा बर्फ में रख दो ये कर दो वो कर दो नहीं तो मक्खी लग जाएगी, तुरंत माछी भिनकने लगता है। भिनके ला माछी केतना कैनी न कसूरवा, इसलिए शरीर पर क्या घमंड, इस सुनरई पर क्या घमंड, ये जब तक श्वास इसमें आ जा रही है इसकी सुंदरता बरकरार है, प्रतिदिन तो छीण हो रही है। गौनवा का दिन जब धरा जाता है तो देह पियराने लगती है,
सुंदरता गायब होने लगती है। और देहिया सजावल सवारल तवाइल, देहिया जो सजावल सवारल है सब तवाइल, सब लोग हल्दी कलश ये घी ऊ लगा के ले गए चिता पे, तवाइल लेटा के तावा नियर भूज भात जला के खत्म। रतिया नींद लागे देह पियराइल, यही सोच सोच के रात भर नींद नहीं आती है कि भाई अब तो गौनवा का दिन धरा गया। इसलिए जिंदा में गुरु महाराज के श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ में अझुरैनी, भगवती बलमुआ के झूठ किरिया खैनी। तब याद आने लगता है कि मेरा जीवन काम क्रोध लोभ मोह में चला गया, झूठे मूठे क्रिया खा संसार में रह गई, फालतू बझी रही। कभी न भगवान की सेवा किया कहे, नहीं कभी सत्संग, नहीं कभी संत की सेवा, इतने में चोला छूट गयो। तो इसलिए कहे भगवती बलमुआ के झूठे क्रिया खैनी, संसार में झूठ मूठ के अजुराए रही। अब भगवान से नहिया लगाहू न आई, कैसे नेह ईश्वर से लगाया जाता है, कैसे भगवान का भजन ध्यान किया जाता है, हमने कभी सदगुरु की शरण में जाकर के समझा भी नहीं। इतने में आ गया जब से गवनवा, इतने में चौथापन आ गया, गवनवा के दिन धरा गया। अब फिर रतिया न नींद आवे देह पियर आई, फिर रात दिन नींद नहीं आती, देह पीला खून कमी हो जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया, फलना कम हो गया, ढकना कम हो गया, देह पियर आई। तो इसलिए सज्जनों चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का खूब नाम जपते रहना है, और गौनवा का दिन धराने से पहले कुछ भजन चिंतन करना है। पूज्य गुरुदेव भगवान एक कहानी सुनाया करते थे कि एक तीन विद्वान थे, तीनों नाव की सवारी कर रहे थे, और जब नाव बीच में पड़ी तो सब संस्कृत में पता नहीं क्या क्या तेजी तेजी बोल रहे थे। तो नाव वाला सोचा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोला आप लोग थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, ये नाव हिल रही है, दिक्कत हो जाएगा। उन लोगों ने कहा अच्छा ये बता तुम्हें संस्कृत आती है? बोले हम तो जिंदगी भर नाव चलाए, विप्र देवता लोग, ब्राह्मण देवता लोग, पंडित जी लोग, तो हमको संस्कृत क्या आएगी? तो पंडित जी ने कहा जो तो राधा तो जिंदगी खराब। तब एक पंडित जी बोले अरे कुछ तीरथ व्रत किए हो कभी जिंदगी में? बोला अरे हमको कहाँ फुर्सत है, नाव से इस पार से उस पार उतार रहे हैं, बस ये तीरथ व्रत कहाँ कर पाएंगे, काशी मथुरा हम कहाँ घूम पाएंगे। पंडित जी बोले जो तब तो 25 पैसा तो जिंदगी खराब, न दान किया न पुण्य किया न तीरथ व्रत किया न कुछ किया, 75 पैसा जिंदगी तो खराब, न कुछ जानता भी है। तो बेचारा सोचने लगा इतने दूर में तेजी तेजी पूरा हवा बहने लगी। तब बोला पंडित जी लोग आप सब लोग तैरने जानते हो? तो पंडित जी लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आगे आगे विप्राणाम नदी नाला वर्जिताम, हम लोग तो आगे आगे जाते हैं, नदी नाला वर्जित है पार होना, धर्म नष्ट हो जाएगा। पहले भारत में था ना समुद्र पार करो तो धर्म नष्ट, फलना देखना, आज सब लोग वीजा बना बना के समुद्र पार जा रहे हैं। तो वो रूढ़ी थी, धर्म नहीं था, कुरीति थी, पहले छूने खाने समुद्र पार होने नदी पार होने से धर्म नष्ट हो जाता था। आज सब एक साथ छू के खा रहे हैं, सब समुद्र पार जा रहे हैं, समय कम है, इसलिए गुरु महाराज इस कहानी को और संवार करके बोलते हैं, 20 मिनट
15 मिनट इसमें लगाते हैं। हम शॉर्ट में ही आपको बता दे रहे हैं बस अपना एक जो इस कहानी का उद्देश्य है। तो आप सब लोगों ने इस कहानी को पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से श्री मुख से सुना भी होगा। तब उसने कहा कि भाई मेरी तो 75% जिंदगी खराब है, लेकिन आप लोग को तैरना नहीं आता है, अब आप लोग की पूरी जिंदगी खराब। मैं चला, वो अपना तैरते हुए पार निकल गया, ये लोग नाव में डूब के मर गए। तो दुनिया में आप दान उपदान पुण्य संस्कृत हिंदी अंग्रेजी सब भाषा का ज्ञान हो, लेकिन अगर आप भजन नहीं जान रहे हो, भजन ही तैरना है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा, कर्तव्य ही केवट है। कर्तव्य के साथ अगर आप नाम जप भगवान का भजन चिंतन नहीं कर रहे हैं तो ये सब निरर्थक है। ये दान दान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, सबकर फल हरि भगत भवानी। तो इसलिए सबका फल हरि की भक्ति है। तो ये सब अगर आप करते हैं तो भक्ति मिलती है, इसलिए अगर आप भक्ति नहीं जान रहे हैं तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए सुबह शाम खूब नाम जपते रहना है, यही इसी से भव सागर पार हो सकते हैं। और इसी से जब गौनवा के दिन धराएगा तो वो साधक निश्चिंत रहेगा कि, और उसके जैसे हाथी के गले से माला टूट के गिर जाती है और हाथी को पता नहीं चलता, उसी तरह से वो साधक का शरीर छूटेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा और वो भगवान में लीन हो जाएगा। और जो भजन चिंतन नहीं कर रहेंगे वो गौनवा का दिनवा धरेले के बाद देह पिराएगा, चिंता होगा और उसके बाद अपनी करनी पर रोना पड़ेगा। और जो भजन चिंतन किए रहेंगे वो मस्त रहेंगे, क्योंकि भेजा कबीर साहब ने कहा कि सब मरेंगे लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधे जंजीर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो इसलिए भजन चिंतन करो, सिंहासन पर बैठ करके जाओगे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब से